नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पांच की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने का मौका है और इस पर बीजेपी ने मंगलवार से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी। छत्तीसगढ़ में पार्टी नेताओं ने 1 महीने के महाजनसंपर्क अभियान का मेगा प्लान तैयार किया है। चुनावी साल में बीजेपी की यह कोशिश है कि इस संपर्क अभियान के जरिए, महाजनसंपर्क अभियान के जरिए अपनी जमीन मजबूत कर ली जाए। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के अभियान पर तंज कस रही है। कांग्रेस नसीहत दे रही है कि पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से तो संपर्क साध ले। बहरहाल, महाजनसंपर्क अभियान के साथ साथ सियासी महाभारत भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने का मौका और महाजनसंपर्क अभियान का आज आगाज। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी फुल एक्शन मोड में है। महाजनसंपर्क अभियान के जरिए मोदी सरकार के 9 साल के काम को लोगों तक पहुंचाने का बड़ा मिशन शुरू किया गया। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारियों को मिली है। 31 मई से 30 जून तक चलने वाले विशेष अभियान में पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 51 बड़ी जनसभाएं करने की योजना तैयार की है। इस दौरान बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने भी आक्रामक प्रचार की योजना तैयार की है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ जैसे चुनावी राज्यों में महाजनसंपर्क अभियान पर पार्टी का काफी फोकस है। सूबे में इस दौरान बीजेपी नेताओं की हर वर्ग के लोगों के साथ विधानसभा और जिला स्तर पर चर्चा होगी। साथ ही प्रदेश के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम और आम सभाएं भी होंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। ये 9 साल बेमिसाल रहे हैं और देश ने हर क्षेत्र में विकास के कीर्तिमान बनाए हैं और लोगों को उसका लाभ मिला है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से 30 जून तक एक वृहद महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा बनाई है और इस दौरान अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ सम्मेलन, कुछ सम्मेलन विधानसभा स्तर पर होने हैं, कुछ जिला स्तर पर होने हैं और पार्टी ने 3 क्लस्टर अलग अलग बनाए हैं। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी का जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट चुका है। कांग्रेस ने नसीहत दी है कि बीजेपी ने 15 साल जिन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, पहले उनसे संपर्क साध ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जनता से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट चुका है। ऐसे में किस बात का महासंपर्क चलाएंगे? जब लोगों से आपका संपर्क है नहीं तो महासंपर्क किस बात का? पहले अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान चला ले। 15 साल तक जिन कार्यकर्ताओं का इन्होंने शोषण किया, उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, पहले उनसे संपर्क कर ले, उसके बाद जनता से महासंपर्क के बारे में सोचे। उधर कांग्रेस के तंज पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पा रही है, इसीलिए इस तरह की बात कर रही है। अरुण साव ने यह भी कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है क्योंकि बीजेपी लोगों से घर जाकर संपर्क कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ में कुछ कर नहीं पा रही है और इसलिए इस प्रकार की बातें करती है। हरेक राजनीतिक दल को ये अधिकार है अपनी बात को लेकर वो जनता के बीच में जाए और वो हम करने वाले हैं। और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में घबराई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव घर घर जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है, इसलिए इस प्रकार की बात करती है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस सफर में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ये महाअभियान चला रही है। इस दौरान सिर्फ राज्य से जुड़े नेता ही नहीं बल्कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों के भी कार्यक्रम प्लान किए गए हैं।
खुद पीएम मोदी भी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर है चुनावी राज्यों के लिए ये मेगा चुनावी कैंपेन जैसा होगा, लिहाजा सियासी तपिश भी बढ़ने लगी है। ममता लांजेवार के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। और आइए इसी मसले पर करते हैं चर्चा। नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन जी स्वागत करता हूं आपका। साथ में जुड़े हैं बीजेपी की ओर से देवलाल ठाकुर साहब। ठाकुर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। आज से तो आपका अभियान शुरू हो गया। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि कैसा ये अभियान है, क्या होगा इस अभियान के जरिए, क्या क्या करने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, क्या कुछ टारगेट भी मिला है, किस किस को क्या क्या टारगेट मिला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए हमेशा अपने बूथों तक पहुंच चुकी है। और अब जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो अभी हाल में देखा जा रहा है, वो हमारे केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, इन 9 वर्षों में हमने जो गरीब कल्याण के मार्ग पर जो हमने कार्य किया है, चाहे गरीबों के घर में पानी पहुंचाने का हो, राशन पहुंचाने का हो, या उनके घर बनाने का हो, या गरीबों को इलाज करवाने का हो, गरीबों से जुड़ी हुई हर जो जरूरतें हैं उसके लिए, गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी गरीब परिवार के साथ खड़ी है। इन सब चीजों को जनता तक पहुंचाना, उनको इनका लाभ दिलाना, लाभार्थियों से मिलना, ये कोई भी पार्टी के लिए बहुत ही एक अच्छा अनुभव होगा। और इस अनुभव के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से गरीब कल्याण के मार्ग पर कार्य करती है। इस पर किसी भी पार्टी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी को ये हक एवं अधिकार है कि अपनी योजनाओं को प्रभावी तरीके से जनता के बीच में कैसे ले जाया जाए, या जनता को उस योजनाओं का कितना लाभ मिला है, इसके आकलन के लिए हर पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता जनता के बीच में पहुंचते हैं। और कितने प्रभावी ढंग से आने वाले समय में उन योजनाओं का फिर से क्रियान्वयन किया जाए, जिससे जनता तक उन योजनाओं को बहुत ही सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सके, इसके लिए हम सब इस वक्त जनता के बीच में हैं। ठीक है नितिन भंसाली साहब, आपने बताया नहीं लेकिन कि टारगेट कितने दिनों का, किस व्यक्ति को कैसा टारगेट दिया गया, ये आपने नहीं बताया। मैं आपके पास फिर आऊंगा। नितिन भंसाली साहब, जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या चिंता पार्टी में बनी हुई है? कि और सबसे खास बात यह है कि केंद्र के 9 सालों की उपलब्धि गिनाने के लिए बीजेपी जाने वाली है। चुनाव छत्तीसगढ़ में विधानसभा का है, राज्य को लेकर चुनाव है, क्या होने वाला है आपके नजरिए से? देखिए, ये किस मुंह से बस्तर की जनता के बीच जा रहे हैं, ये मेरी समझ से परे। ओम माथुर जी को तो बस्तर जाकर बस्तर की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो इन 15 सालों में जो आदिवासियों का वहां पर शोषण हुआ, फर्जी नक्सली बताकर उन्हें जेल में डाला गया, उनकी जमीनों को हड़प लिया गया, उनके वन अधिकार पट्टे रोक दिए गए, नक्सलवाद 3 ब्लॉक का जो था वो 14 जेलों तक पहुंच गया। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सलवादी हमलों के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर आता था। ये उपलब्धियाँ थी 15 साल की इनकी, तो पहले जाकर तो माथुर जी को उन आदिवासियों से जो पीड़ित रहे उनसे माफी मांग लीजिए। दूसरा, ये किस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे? ये जनता के बीच जाएं, बस्तर की जनता से मिले, वहां ये जो वादे इन्होंने किए थे, इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, ये पूछे जनता से, जैसे मोदी जी भाषण देते समय पूछते हैं ना कि है कि नहीं, तो पब्लिक सामने जवाब देती है, तो दम है तो खड़े हों सभा में, और उस सभा से बोले अच्छे दिन आएंगे नहीं आए, तो सामने से क्या जवाब आएगा ये आप भी जानते और मैं भी जानता हूं। क्या काला धन वापस आया? ये गैस का सिलेंडर जो 500 रुपए में मिलता था, जिन लोगों ने ये बड़ी बड़ी बातें की थी, वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, सुई से लेके सारी चीजें महंगी हो गई, घर का राशन, अनाज, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, हम जिस जगह जिस चीज की बात करें हर चीजें यहाँ पर महंगी हो गई। काला धन लाएंगे बोले थे, नहीं लाए, 100 दिन में महंगाई कम नहीं की, 2 करोड़ लोग युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 23 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, ये किस उपलब्धि को लेकर जा रहे हैं? इनको ये पूछना चाहिए, मैं पूछता हूँ और इनको भी ये बताना चाहिए। मैं बता दूँ पुनीत जी,
कि 27 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते थे, ये मोदी के इन 9 सालों के कार्यकाल में गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। 23 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ये उपलब्धियां इनकी। किस मुंह से जाकर वहां पर किन उपलब्धियों का प्रचार करने जा रहे हैं, ये मेरी समझ से तो परे है। अभी बीच में मैंने ये भी सुना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कार्यकर्ता रूठे उनके घर में खाना खाने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे उसमें कार्यकर्ता मान जाएंगे, ये फिर से मूर्ख बनाने की एक नीति है और कुछ नहीं। ठीक है, रूठा है तो मना लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, रूठों को मनाने का सिलसिला तो हर पार्टी में चलता है। ठाकुर साहब, मैं आपके पास आता हूँ, ये सारे सवाल जो हैं, जो भंसाली साहब कह रहे हैं, इन सवालों से सामना होगा तो क्या करेगी पार्टी? देखिए, कांग्रेस जो कह रही है माफी मांगने की बारी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, जिन्होंने आदिवासी समाज के मुंह से निवाला छीनकर अपने पाटन एवं जाम गांव में संयंत्र लगा दिया। आज 900 करोड़ रुपया आदिवासी परिवार के जमा थे, उसमें 700 करोड़ रुपया को छीनकर आप अपने विधानसभा में ले आए। अरे तो आपको शर्म आनी चाहिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को लज्जा आनी चाहिए। ये सफेदा वाला मुख्यमंत्री आदिवासियों के पैसे पर सफेदा लगाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आज कांकेर क्षेत्र में विश्वास और सुरक्षा इन तीन मंत्रों पे जो इस सरकार ने काम किया है, आज छत्तीसगढ़ के बस्तर की चर्चा जो है वो आप लोगों के शासन काल के जैसे नक्सलवाद के नाम से नहीं, आज बस्तर की इमली महुआ चिरौंजी और कॉफी की खुशबू के नाम से, वहाँ के पर्यटन के नाम से लाया जाता है। नक्सलवाद में कमी आई है, 80% नक्सली मामलों में कमी आई है भाई, और वो चरण पादुका बांटते थे, एक 5 नंबर का चप्पल और एक 7 नंबर का चप्पल, ये भी बताओ, ये सब जाके वहाँ बताओगे कि नहीं बताओगे भाई? वहाँ जनता पूरी भरी पड़ी है, बस्तर का आदिवासी इंतजार कर रहा है। भाओ, मैंने जैसा कि कहा ना कि स्टेज पर खड़े होकर मोदी जैसा पब्लिक से हाथ लगाते हैं, वैसा पूछना जाके जनता से, क्या 6 दिन आए, यदि आता है वहाँ से जवाब क्या? आप लोगों का आखिर आदिवासी समाज को इतना खार क्यों रहे हो? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। और साहब, टूट गई आप लोगों के बड़े उद्योगपति जो है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, आप आपके मोदी ठीक है, न केवल केंद्र की आप योजनाओं को बताएंगे, उपलब्धियों को बताएंगे, राज्य सरकार की नाकामियों को भी लेकर जाएंगे। ठीक है, आप जिनका जिक्र कर रहे थे मान भी लिया जाए, तो अगर जो सवाल भंसाली साहब कर रहे हैं वो सवाल जनता करती है कि भाई सिलेंडर का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, राशन कितना महंगा हो गया, ये सवाल जो करती है इसका जवाब कैसे देंगे, इनका सामना कैसे करेंगे? क्योंकि जाहिर है लोगों के पास जाएंगे तो सवाल तो होंगे। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, कृपया करके थोड़ा सा शांति से सुने तो मेरी बातों को भी समझ, आपको भी समझ में आए, आपके जो दर्शक होंगे चैनल के उनको भी समझ में आएगा। डबल क्राफ्ट में फसल लोगों तो कहां समझ में आएगा। इस देश में सबसे अहम चीज था, आज से 9 साल पहले किस कदर ये देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। इस देश में इतने भ्रष्टाचार हो रहे थे जिसकी सीमा नहीं है। इन 9 सालों में पूरा कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भ्रष्टाचार बता दे, कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। नीरव मोदी मेहुल चौकसी भ्रष्टाचार तो सुनिए ना, वही तो बात आपको सुनने, भ्रष्टाचार की बात आती है तो कांग्रेसियों की झलक साफ देखने को मिलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहते आ रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है और ये लोग वहां से भागे, भ्रष्टाचार की आदत में डूब गई है। कांग्रेस की सरकार ने कोयले में घोटाला किया, गरीबों को हम चावल देते हैं, उस चावल के राशन में घोटाला किया, आपने शराब में घोटाला किया। इतना ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार यहाँ के बच्चों के साथ, जो होनहार बच्चे हैं उनके साथ पीएससी में घोटाला कर दिया, उनके नौकरियों में घोटाला कर दिया। इस चीज को समझने की आवश्यकता है, क्या कोई गरीब परिवार का आदमी डीसी बन सकता? ठाकुर साहब तो रुकने की तैयारी नहीं है, आप ही रुक जाइए ठाकुर साहब, अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो सुनिए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि दर्शकों को समझने, आप बोल रहे हैं, भंसाली साहब बोल रहे हैं, साथ साथ बोल रहे हैं, तो ना आप सुन पाएंगे वो क्या कह रहे हैं, ना मैं सुन पाऊंगा, ना दर्शक सुन पाएंगे, तो इसीलिए संयम से हम एक एक करके नहीं, मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल जो था वो सीधा सवाल था कि अगर महंगाई को लेकर तो आपने भ्रष्टाचार के ऊपर बात घुमा दी, ये सवालों के जवाब सटीक तरीके से निकलेंगे क्या? और मैं भंसाली साहब आपके पास आता हूं, और मुझे ये बताइए कि महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी निकाल रही है, शुरू कर चुकी है, 30 दिन तक इतने लोगों के जाएंगे, घर घर दस्तक देने वाले हैं, आपको घबराहट नहीं हो रही है?
कोई या घबराहट फिर नहीं है। आप भी संपर्क अभियान चलाने वाले हैं? नहीं, हमारा तो देखिए संभागीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन अरे भ्रष्टाचार से फुर्सत मिलेगा हमारे तो कामों को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इनको तो भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं मिल रहा है, फरार हो गया मुख्यमंत्री का लड़का, फरार हो गया है। इनको भ्रष्टाचार जैसा इन 4.5 सालों में हर चुनाव चाहे नगर पंचायत के हो, नगरीय निकाय के हो, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, सभी में कांग्रेस के प्रत्याशी ने बंपर वोटों से जीत हासिल की। तो निश्चिंत है क्या विश्वास भंसाली साहब, निश्चिंत है क्या? तीन मंत्रों पे स्तर में काम किया है और हमारे काम के भूते पर हम जनता के बीच जाएंगे। और ये जो जुमलेबाजों की जो नौटंकीबाजों की जो टोली वहां घूम रही है, मैं आम जनता को न्यूज 18 में जो लोग हमको देख रहे हैं दर्शक, उनको बोलूंगा इन जुमलेबाजों की बातों में मत आना भाई, ये वही लोग हैं जो हर बार चेहरे बदल बदल कर आप लोगों के सामने आ रहे हैं। वो गाना है ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, नीति वही है, चेहरे बदल रहे हैं और कई चेहरे वही है जो चेहरे बदल मिलने वाला रुपयों के जैसे जनता के बीच जाकर और पानी पी गए। अरे धिक्कार है आपको, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गौ माता के जैसे योजनाओं पर भी भ्रष्टाचार, गौ माता पे आएंगे पहना रहे, बहुत बढ़िया। अरे क्या किया भाई गौ सेवा के नाम पर? चलो मैं बताता हूँ, वो योगी आदित्यनाथ तो बहुत फेमस है आपके धर्म और इन सब के नाम पर राजनीति जो करते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में गौशाला के अंदर घुस के ठाकुर साहब और भंसाली साहब, आप सुन तो लीजिए, आप दोनों बात सुनिए। अरे बात सुनिए भाई, बात तो सुनिए भंसाली साहब, ठाकुर साहब, आप दोनों सुन लीजिए, आप दोनों सुन लीजिए भंसाली साहब, आप भी रुकिए, आप सुनिए तो सही। समय हो गया समाप्त, समय हो गया समाप्त, सुनिए आप, समय हो गया समाप्त। और आप दोनों एक दूसरे को काटते रहे, लेकिन जवाब ठीक तरीके से जो दर्शक चाहता था वो आप लोगों की तरफ से आया नहीं। खैर, जब संपर्क अभियान शुरू होगा, तमाम तरीके की जनता है, कई सवाल भी करेगी, आप भी कुछ बताएंगे, वो भी कुछ पूछेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। कांग्रेस की चिंता बढ़ती है क्या, ये भी देखना होगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।